विद्या या सत्संग हमारी पात्रता के विकास के साधन है, और जैसे ही हमें पात्रता का विकास होगा, हमें योग्यता का जैसे विकास होगा, हम अधिकारी बन जाएंगे उस वस्तु के। तो सच तो यह है कि जितने भी भगवान के गुण और शक्ति विभूति दिव्यताएं हैं, उन सबके हम सहज अधिकारी हैं। जैसे कि संतानों को स्वाभाविक अधिकार है पिता की संपत्ति पर, वैसे ही विश्वास कीजिए भक्त को भी स्वाभाविक अधिकार है भगवान की हर वस्तु का, हर वस्तु का। उतना एक संबंध में स्नेहन प्रणयन प्रीति प्रगाढ़ता निश्चय अपनत्व पैदा तो कर, उसे कोई संकोच नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे वही है एक अनन्य अनुराग। हमें अपने इष्ट के प्रति रखना होगा, इष्ट हमसे दूर नहीं है, उसकी कृपा से हम वंचित नहीं है, और इष्ट के अनुगत हैं हम, उसके आश्रय में हैं, उसके आश्रय में, उसके आश्रय में रहना सीखो, हम उनके आश्रित हैं, उसके सहारे रहना सीखो। अवलंब उसी का लीजिए, अवलंब माने सहारा, और किसी का आलंबन मत लो। और जब हम ऐसे इस विश्वास में रहते हैं, जब हमारा भगवत आलंबन सिद्ध हो जाता है कि हम भगवान के आश्रित हैं, बल्कि भक्त तो यहां तक कहता है चरणाश्रित हूं मैं, तो आश्रय में भी मैं तो चरणों के आश्रित हूं, उनकी कृपा के आश्रित हूं। तो अगर हम उनके आश्रित रहना सीख लें, ये विश्वास हो जाए कि भगवान मुझसे दूर नहीं है, मेरा इष्ट और उसके अनुग्रह से मैं वंचित नहीं हूं, उसकी कुछ चीजें नहीं, उसकी सब वस्तुएं मेरी हैं, तो ऐसे अनिष्ट की कल्पना कभी नहीं हो सकती। आप अगर हमें अनिष्ट की कल्पना हो रही है, भय की कल्पना, असुरक्षा की, अभाव की, अल्पता, किसी प्रकार का कष्ट, दुविधा, तो कितनी दुर्बलता है हमारी भक्ति में। यह हमारी भक्ति का दौर्बल्य पक्ष है कि जब भगवान हमारे हैं तो ये दुर्बलता अज्ञान के कारण हमें पैदा हो गई। इसे मेरा कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, एक विश्वास आप में रहना ही चाहिए कि किसी भी काल में मेरा अनिष्ट होगा ही नहीं। ऐसी पात्रता का विकास करो, और जब ऐसा विचार करोगे तो भगवान का विधान अच्छा लगने लगेगा, उनके विधान में न्यूनता नहीं दिखेगी, त्रुटि नहीं दिखेगी, उनके विधान में आपको मांगल्य मोद कल्याण और अपना उत्थान ही दिखाई देगा। तो जो उनकी विधि व्यवस्था है, नियंता की नियति गति व्यवस्था, भोग भाग्य और प्रारब्ध, जो कुछ भी आपको प्राप्त है उसमें सर्वथा आपके हित छुपे हुए हैं। इसलिए एक दिन अपने मन को कह दो कि भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी है, निर्दोष है, और उसमें मेरे सर्वथा हित छुपे हुए हैं, मेरा अहित नहीं होना है।